कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में आज अदित के ऑफिस में हो रहा है इवेंट, क्योंकि अदित को मिलने वाला है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड। ऐसे में वहाँ पर जज बनकर पहुँच गई है मंगल भी, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग कॉम्पिटिशन भी है। और तभी अदित के साथ बैठी सौम्या को अदित का ऑफिस वाला उठा देता है, क्योंकि वो जगह मंगल की है। बिना कुछ कहे सौम्या वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन अदित को गुस्सा आता है। मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है और मंगल जज बनकर आई है और वो सब कंटेस्टेंट्स को जज कर रही हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ कि यार सौम्या का हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, उन्होंने तुम्हें हेल्प किया है, हमारी ईशाना को पढ़ा रही है, तो तुम सौम्या को जिता देना। बट मंगल तो मंगल है, वो जो अदित बोलता है वो नहीं करेंगी और वही करेंगी जो उन्हें सही लगता है, और वो अवार्ड किसी और को दे देती है। और मैं स्टेज पर चिढ़ता हूँ और भी गुस्सा आता है जब मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि अपनी वाइफ के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलो। और अलग से मंगल को अवार्ड भी मिल जाता है, बैकबोन ऑफ द ईयर अवार्ड, बिकॉज वो हमेशा घर रहकर भी अपने पति को सपोर्ट करती हैं, तो मैं और गुस्सा हो जाता हूँ। तो यार यही चल रहा है। वैसे अदित का गुस्सा शांत तब होता है जब उसे अवार्ड मिलता है, लेकिन ये खुशी पल भर में बदल जाती है, क्योंकि इस बीच अदित के बॉस बैकबोन ऑफ द एम्प्लॉय का अवार्ड दे देते हैं मंगल को। ये देखकर अदित को गुस्सा आता है। ऐसे में मंगल सभी के सामने ये अवार्ड वापस अदित को दे देती है। बस फिर क्या, अदित को मौका मिल जाता है सभी के सामने प्यार से मंगल को ताने कसने का, जिसे मंगल समझ नहीं पाती। कैसी महिला है जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ, जब मैं बिजी रहता हूँ काम करता हूँ, तो मंगल मेरे लिए कॉफी लेकर आता, खाना लेकर आता, घर का सारा काम काज करता, दिन भर पूरे मन से पूरे दिल के साथ यही करता, और कुछ हम तो बस पैसे कमाते इनके लिए ताकि ये घर चला सके। इनके काम के सामने सच कहूँ तो हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं। बहुत सार्काज्म के साथ मैंने शब्द बोले हैं, बिकॉज सब लोग मुझे देख रहे हैं तो चेहरे पे एक स्माइल रहता है, पर अंदर से जो कड़वापन निकलना होता है वो शब्दों के थ्रू निकलता है, और हमेशा की तरह बहुत ही पोलाइटली मैंने उसे सुना दिया जो मुझे सुनाना था। अभी तक स्क्रिप्ट आया नहीं है, पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, घर जाकर तो इसकी कुछ होने वाली है, बैंड तो बजने वाली है, बिकॉज यहाँ सबके सामने मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर घर जाने के बाद तो बहुत सुनाने वाला हूँ उसे। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।